दिल्ली के शराब घोटाले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी हुई है, जिसमें अब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया है। चार्जशीट में जाली लेन देन की साजिश रची गई। चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने बताया कि सिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। इस बैठक में विजय नायर के अलावा पंजाब सरकार के SCS वित्त, आबकारी आयुक्त वरुण रूजम, FCT और पंजाब आबकारी के अफसर भी मौजूद थे। इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और CM केजरीवाल का नाम सामने आ चुका है। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया के साथियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि एक इंसान की छवि, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी सार्वजनिक जीवन में बहुत जद्दोजहद से, मेहनत से, खून पसीने से बनती है। किसी की भी रेपुटेशन को इस प्रकार से हार्म करने से पहले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक रिस्पांस तो लेना चाहिए था, मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आ गया, आपको इस पे क्या कहना है, मैं स्पष्टीकरण देता। लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े मीडिया हाउसेज ने मेरे नाम की और मेरी छवि की हानि पहुंचाने की कोशिशें की हैं। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें, जो गलत खबर छापी है उसे विड्रॉ करें, सही खबर छापें, नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उन तमाम अखबारों के खिलाफ या मीडिया हाउसेस के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया है कि न जाने मैं कौन सा बड़ा घोटालेबाज हूं, मैंने कितने करोड़ों का घोटाला कर दिया हो और मैं इस पूरे कई मुकदमों में या कई ईडी की कंप्लेंटों में अभियुक्त के तौर पर मेरी भूमिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखी। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।